दुनिया को पता लगता है एंटार्क्टिका के ऊपर मौजूद ओजोन होल के बारे में। हैरानी की बात यह थी कि ओजोन होल साल भर साल बहुत ही तेजी से बड़ा हो रहा था। नासा के साइंटिस्ट ने इसे ओवरलुक कर दिया था। जब वो अपने सैटेलाइट डेटा पर वापस गए देखने तो उन्हें कुछ ऐसी फोटोज दिखाई दी। साल 1979 बिल्कुल नॉर्मल, 1980 और 81 थोड़ा सा कुछ ब्लू ब्लू दिखने लगा, 1982 एक प्रॉपर होल दिखने लगा, 1983 ये होल और बड़ा हो गया और अगले साल 1984 ये होल इतना बड़ा बन चुका था। दुनिया भर में इस खबर को लेकर हल्ला मच जाता है। अगर इसी तरीके से ओजोन खत्म होती रही एटमॉस्फेयर से तो ये एक भयानक इवेंट होने वाला है। धरती पे मौजूद सारे प्लांट्स, एनिमल्स और इंसानों के लिए खतरे की घंटी बज रही है। ओजोन खत्म हो गई तो मानो जिंदगी खत्म हो जाएगी धरती से। और जिस रेट से ये होल बड़ा हो रहा था, इसे देखकर प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि साल 2050 तक ओजोन लेयर पूरी खत्म हो जाएगी धरती से।